धड़कने खामोश है, कुछ कहती नहीं। Hey guys, welcome to Yuki Guide. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्ले कर सकते हैं द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द बैंड स्ट्रिंग्स, आखिरी अलविदा। तो ये सॉन्ग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्ट्रिंग्स और उनके सारे गानों में एक अलग ही बात है। तो अगर आप इस लेसन को लेकर एक्साइटेड हैं, देन प्लीज लाइक दिस लेसन, सब्सक्राइब टू यूकी गाइड। सो इफ यू आर ऑल सेट, यू टेक आउट योर यूक, ट्यून इट इन स्टैंडर्ड ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। तो गाइज, अब एक एक करके सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ कॉर्ड्स हमारे पास काफी सारे हैं, तो मैं आपको सारे चार्ट्स यहाँ पर देने वाला हूँ स्क्रीन पर। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से फिंगर्स वहाँ पर यूज करनी है टू प्ले डिफरेंट कॉर्ड्स। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फिंगर पिकिंग की, एंड येस आई इंक्लूडेड इट इन दिस लेसन, और आपको बहुत मजा आएगा वेन यू प्ले इट ऑन योर यूकुलेले। तो इस पार्ट को प्लीज ध्यान से समझना। तो राइट हैंड से आपको चाहिए थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, जिससे आप तीनों फिंगर्स को यहाँ पर पिक करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बांट लीजिए इन फिंगर्स की, और राइट हैंड से आपको जो आपके कॉर्ड्स हैं आपको वो होल्ड करने हैं। अब सबसे पहले हम ओपन स्ट्रिंग्स के साथ समझते हैं कि ये फिंगर पिकिंग आपको कैसे प्ले करनी है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ये पैटर्न हमारा रहेगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ठीक है। तो अब हमारा जो कॉर्ड जी है, एक्सटेंडेड पोजिशन है, उसको हम होल्ड करेंगे। पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है इस तरह से, बट यू होल्ड दीज थ्री स्ट्रिंग्स, क्योंकि तीन ही स्ट्रिंग्स को हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर प्लेस किया और बाकी दो फिंगर्स को आपने यहाँ पे फ्रेट 7 पे प्लेस किया, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग ओपन ही रहेगी, इसको हमें टच नहीं करना है। तो हम इसको कैसे प्ले करेंगे राइट हैंड से। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ठीक है, आपने होल्ड किए रखना है उसको, एंड देन यू प्ले 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 इतना प्ले किया। इसके बाद आपको जाना है कॉर्ड डी पे। सो इंडेक्स ऑन फ्रेट 5, देन मिडिल फिंगर ऑन फ्रेट 6, एंड देन रिंग फिंगर ऑन फ्रेट 7, ओके, एंड देन फ्रॉम राइट हैंड। तो सबसे पहले आपको यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, यू हैव टू डू इट मल्टीपल टाइम्स। अब इसके बाद जो आगे के पार्ट्स हैं वो रिलेटिवली इजी हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए ई माइनर। इसके बाद हम जाएंगे कॉर्ड B7 पे, तो B7 को होल्ड कीजिए एंड यू प्ले, देन कॉर्ड सी, उसके बाद कॉर्ड सी माइनर, ठीक है। इसके बाद कॉर्ड जी, जो स्टैंडर्ड पोजीशन है कॉर्ड जी की, और उसके बाद कॉर्ड डी। कॉर्ड डी को अगेन आप ये दो स्ट्रिंग्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो अब इसको एक साथ प्ले करते हैं। 1, 2, 3, go धड़कने खामोश है, कुछ कहते नहीं, ये आखिरी अलविदा ना हो। राइट गाइज, इतना पार्ट आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो हमें आगे के पार्ट्स प्ले करने हैं, उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रम पैटर्न। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो एक कॉर्ड पे इसको प्ले करते हैं, कॉर्ड सी। Down, down up, down up, down, down up, down up. तो अब जो कॉर्ड्स हमें चाहिए होंगे वो हैं कॉर्ड सी, ई माइनर, डी एंड कॉर्ड जी, राइट। सो लेट्स प्ले इट आउट। 1, 2, 3, go इस दर्द को दिल में रहने दो, जो खौफ है आंखों से बहने दो, दुख की नदी चुपचाप बहने दो, जो कहना है तुम धीरे से कह दो। और इसके बाद आपको लास्ट लाइन प्ले करनी है विद सेम कॉर्ड्स। सो ये आखिरी अलविदा ना हो।
धड़कने खामोश है, कुछ कहती नहीं, ये आखिरी अलविदा ना हो। चाहते वो सुनाती है, कुछ कहती नहीं, ये आखिरी अलविदा ना हो। इस दिल को दिल में रहने दो, दो खौफ है आँखों से बहने दो, दुख की नदी चुपचाप बहने दो, जो कहना है तुम धीरे से कह दो, ये आखिरी अलविदा ना हो। तो गाइज आई होप आपको इस लेसन में मजा आया होगा। इसी तरह के और लेसन देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गाइड को, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद एन अमेजिंग वन। सो डू टेक केयर एंड बाय बाय।